हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अब हम लोगों के यहाँ थोड़ी सी सर्दियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं और इन सर्दियों में हम जो सर्दियों के प्लांट्स लगाते हैं फ्लावरिंग वाले, वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा भी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो मेरे गर्मियों के प्लांट्स हैं, वो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स इतने नाजुक होते हैं जिनको, जो इस सर्दी की मार को नहीं झेल पाते हैं, और उनको भी हमें बचाना है, सेव करना है। उन्हीं नाजुक प्लांट्स को मैं शेयर करूंगी और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रही हूं कि इनको यदि आप ठंड से नहीं बचाएंगे तो फिर ये मर भी जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स कितने महंगे आते हैं और पाल पोस के हम इन्हें बड़ा करते हैं और फिर वो नेक्स्ट सीज़न आने तक वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें नए प्लांट्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो उन्हीं प्लांट्स को आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में बताती भी जाऊँगी कि हमें क्या करना है, कैसे हमें इनको सेव करना है। तो इनमें दो ही तीन चीज़ों का फ्रेंड्स ध्यान रखना है। एक तो हमें जो सबसे ज़्यादा इन प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होता है तो वो है ओस और पाला। तो आप उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें, बस यही इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो है, फिर आप उसको थोड़ा पानी का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और तीसरे चौथे दिन पानी दें जब मिट्टी उसकी सूख जाए। और उसके बाद थोड़ा सा आपको बस यही करना है कि उनको धूप ज़रूर दिखानी है। और फ्रेंड्स, धूप तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सर्दियों में हर प्लांट्स को दिखानी है, चाहे वो आपके इंडोर हों, चाहे वो आपके सर्दियों वाले, तो खैर फूलों वाले तो धूप चाहिए ही चाहिए। तो सभी प्लांट्स जो आपने अंदर रखें, उनको भी हफ्ते में एक दो बार ज़रूर आप धूप दिखाइए। बिना धूप के प्लांट्स अच्छे नहीं रहेंगे। और ये जो नाजुक प्लांट्स हैं, इनको तो धूप ज़रूर दिखाइए, ऐसी जगह आप रखिए। तो आइए आपको शेयर करती हूँ वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं सर्दियों में, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला पौधा हमारा तुलसी मैया का है, जो 90% लोगों की शिकायत रहती कि इस सर्दी में हमारा तुलसी का पौधा चला गया, ख़राब हो गया। तो तुलसी को आप सेव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यदि आपने गमले में लगा रखा है तो बस उसे आप उठा के शेडी एरिया में रख लीजिए, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं करना। ज़मीन पे लगा हुआ है तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा ओस पाला पड़ता है तो आप उस पर कोई झीना सा कपड़ा डाल दीजिए जिससे ओस पाला से बच सके। और हम लोगों के यहाँ ये नॉर्थ इंडिया साइड में केवल एक दो महीने की ही सर्दी गजब की होती है, जिसमें वो सारे रंग दिखा देती, पानी भी बरस जाता है, ओला भी गिर जाता है, सब कुछ हो जाता है उसमें। तो बस वही दो महीने थोड़ा ध्यान दे दें तो। और वैसे भी फ्रेंड्स, जो ज़मीन पे प्लांट्स लगे हैं वो फिर भी स्ट्रांग होते हैं, झेल ले जाते हैं इन सब चीज़ों को, और बाद में गर्मियों में ग्रो होने लगते हैं। लेकिन जो गमले में लगे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो फिर आइए अब आपको दूसरा प्लांट दिखाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा ये प्लांट वाइन है, अपराजिता की वाइन है। इस पर भी ओस और पाला का बहुत ज़्यादा असर ठंड का होता है, और इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और बाद में इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। देखिए, ये मेरा नीचे से ऐसी इसकी ब्रांचेस सूख जाती हैं, मैंने चढ़ा रखा था इसको, और ये मैंने यहाँ से लगा रखा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इसकी, इस गमले में लगा रखा है। अब ये देखिए, एकदम जैसे लगता है पौधा ख़त्म सा ही हो गया है। तो इसको या तो आप छाया में रख लें, चूँकि मेरा गमला तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा है और ये मेरा खुले में ही रखा रहता है, मैं हटा भी नहीं सकती इसे। लेकिन इसके जो ये फलियां वगैरह लग जाती है, वही मैं तोड़ के इसमें, देखिए देखिए ये फली लगी हुई है, इसी को तोड़ के बीज में डाल दूँगी तो फिर नई नई ग्रोथ फिर हो जाती है। देखिए, ऊपर तक गया था, अभी तक हरा भरा था, और जैसे ही ठंडक हुई वैसे इसकी पत्तियाँ बिल्कुल अब सब झड़ने लगी। तो इस अपराजिता की भी आप केयर करें, लेकिन मेरा धूप में लगा हुआ है प्लांट्स, धूप इसको मिलती रहती है तो ये जड़ से फ्रेंड्स खराब नहीं होता। इसी तरह वाइन के प्लांट में फ्रेंड्स ये भी है, देखिए स्वीट पोटैटो वाइन की, ये भी बहुत अभी तक फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके, इसका भी अब ख़त्म हो रहा है इसको। ये तो फ्रेंड्स, ये जो इस कलर की रेड कलर वाली जो है, ये ब्राउन कलर की, ये वाली तो स्वीट पोटैटो वाइन फिर भी बची रहती है। लेकिन जो इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रीन वाली होती है, आपको दिखाती हूँ, ये वाली बहुत नाजुक होती है।
तो ये वाला जो है, तो आप या तो इनको कटिंग से आप जब लगाया करिए तो कटिंग से कई पौधे ग्रो कर लिया करिए। एक दो पौधे ख़राब हो गए तो एक दो बचे रहेंगे, फिर जैसी गर्मियाँ आएंगी वैसे ही ये फिर अच्छे से इनमें ग्रो होने लगेंगे। अभी तो इनके सब पत्ते जड़ जाएंगे, लेकिन अब इनकी जड़ ही सेफ बनी रहे तो फिर इनमें ग्रोथ होने लगती है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान, मेरा ये पिछली बार ख़त्म हो गया था और फिर मुझे नया लाना पड़ा था, और वो वाला तो बना रहता है, रेड कलर लीव्स वाला तो बना रहता है। तो वाइन में इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। फ्रेंड्स, ये विंका के प्लांट हैं, और विंका के प्लांट को भी आपको ध्यान रखना है। देसी वैरायटी तो फ्रेंड्स बहुत हार्डी होती है, वो नहीं ख़राब होती है, लेकिन जो ये हाइब्रिड वैरायटी है, देखिए अब फ्लावर के साइज़ भी छोटे हो गए हैं। इनका ग्रोइंग पीरियड समर ही होता है, समर में ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में ये अब धीरे धीरे जो है फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे। तो इनकी आप केयर करें, नहीं तो ये हाइब्रिड वैरायटी ख़राब होने का डर रहता है, तो इनकी आप देख रेख ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये क्रोटॉन के प्लांट हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये भी समर में अच्छे से ग्रो करते हैं और सर्दियों में इनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं यदि इन्हें धूप वगैरह, वैसे तो ये इंडोर प्लांट्स हैं लेकिन सर्दियों में इन्हें ज़रूर धूप दिखाएं आप, इनको धूप मिलनी चाहिए। और इन्हें आप, वैसे भी ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, इनको सबको गर्मियों में भी ये एक दूसरे से सटे हुए रहना अच्छा इनको लगता है, जिससे इनको मॉइस्चर मिला, और सर्दियों में भी मैं इसीलिए क्रोटॉन के हर पौधे को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा रखती हूँ। तो आप इनको एक झुंड में रख दें और दूसरे ओस और पाला से इन्हें बचाएं, और पानी का भी विशेष ध्यान रखें। ये भी फ्रेंड्स एक तो बहुत महंगे पौधे आते हैं, ये भी सर्दियों में भी इनका भी पत्ते गिरा देते हैं और ये बहुत मरने के इनके चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्रोटन पे भी ध्यान देना होगा, बस केवल इतना ही, पानी का ध्यान देना है और धूप दिखानी है। तो इन पौधों पे भी, और चूँकि ये बहुत महंगे महंगे पौधे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप क्रोटन का ध्यान दें। इस तरह फ्रेंड्स हमने आपको कुछ पौधे दिखाए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी फ्रेंड्स प्लांट हैं, और वीडियो चूँकि जो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कैलेथिया का प्लांट्स है, बॉल अरेलिया का है, इनको भी, और अजवाइन का प्लांट्स है, ये भी बड़े नाजुक होते हैं, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, तो इनको सेव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दे दी। मैं जानती हूँ कि ये जो हमारे पुराने गार्डनर्स हैं जो लगाते रहते हैं उनको सब पता है, लेकिन कुछ हमारे नए गार्डनर हैं बड़े उत्साह से पौधे लगाते हैं, फिर उनके पौधे बचते नहीं हैं, तो उनका उत्साह फीका होता है। तो इसीलिए उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर हम अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।